हेलो एवरीवन। तो ऑक्सीजन कंटेनिंग कंपाउंड में हमने दो लेक्चर कंप्लीट किए थे और आज हमारा थर्ड लेक्चर है और इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑक्सीडेशन, मीन्स अल्डिहाइड एंड कीटोन का ऑक्सीडेशन के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। बेसिकली यहाँ पे ऑक्सीडेशन में हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन का टेस्ट भी कर सकते हैं। तो ये टॉपिक हम लोग प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी स्टडी करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे POC लिखा है। POC मीन्स प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी ये यूज होता है। मीन्स आप यहां से टेस्ट कर सकते हैं कि ये अल्डिहाइड है या फिर कीटोन है। इसमें पहला टेस्ट है टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट को हम लोग सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं और ये टेस्ट आपने सुना होगा पहले भी। कहाँ पे सुना होगा? तो अपने टर्मिनल अल्काइन्स के टेस्ट में टॉलेंस टेस्ट यूज करते हैं। टर्मिनल अल्काइन टॉलेंस टेस्ट देते हैं, लेकिन नॉन टर्मिनल अल्काइन टॉलेंस टेस्ट नहीं देते हैं, राइट? अब देखते हैं यहाँ पे इसका यूज क्या है। तो सबसे पहली बात, टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो टॉलेंस रिएजेंट तो होता क्या है, अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन होता है। अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन मैं लिख देता हूं यहाँ पे। टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, या फिर अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट मीन्स सिल्वर नाइट्रेट को, AgNO3 को आप अमोनिया में डाल दें तो ये सॉल्यूशन बनेगा, इसे बोलेंगे अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन। या फिर आप इसे बोल सकते हैं डाइअमाइन सिल्वर वन आयन, मीन्स सिल्वर नाइट्रेट अमोनिया में ये डाइअमाइन सिल्वर आयन फॉर्म करता है। डाइअमाइन सिल्वर आयन मीन्स कॉम्प्लेक्स होता है ये, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। सिल्वर नाइट्रेट को अगर आप अमोनिया में डालोगे तो ये कॉम्प्लेक्स बनता है, इसी को बोलते हैं टॉलेंस रिएजेंट। इसमें स्पेशल क्या है, ये बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। तो अगर आपने अल्डिहाइड लिया, RCHO लिया अल्डिहाइड, और अगर आपने इस पे ये ऐड कर दिया तो यहाँ पे Ag प्लस रहेगा, AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। ये क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज करेगा, RCHO को, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करेगा। तो अल्डिहाइड एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, RCOOH प्लस। ये Ag प्लस खुद रिड्यूस हो जाएगा, Ag प्लस अगर खुद रिड्यूस होगा तो ये Ag सिल्वर में कन्वर्ट होगा, ये प्रेसिपिटेट होता है, राइट? और ये सिल्वर कंटेनर के साइड में डिपॉजिट हो जाता है और वो शाइन करने लगता है, इसीलिए हम इसे बोलते हैं सिल्वर मिरर टेस्ट। क्लियर है? लेकिन अगर मैं यहीं पे कीटोन ले लूं, RC OR, और अगर मैं ये डाइअमाइन सिल्वर आयन ऐड करूंगा, यहां से बेसिकली Ag प्लस आ रहा होगा, फिर से Ag प्लस एग्जैक्ट नहीं है, ये AgNH3 होल ट्वाइस प्लस है, ठीक? यहाँ पे ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, लेकिन RCOOR को ये ऑक्सीडाइज नहीं कर सकता है, इसीलिए यहाँ पे नो रिएक्शन। क्लियर है? लेकिन हाँ, अगर मैं एग्जैक्ट रिएक्शन के बारे में अगर आपसे बताऊं तो रिएक्शन होगा RCHO+AgNH3 होल ट्वाइस प्लस। बेसिक मीडियम में बैलेंसिंग में यूज होगा तो ये कन्वर्ट होगा, RCOO- बेसिक मीडियम है इसलिए RCOO- रहेगा। ये Ag प्रेसिपिटेट प्लस अमोनिया प्लस वाटर, वाटर और OH-, OH- जस्ट बेसिक मीडियम है, वाटर आया बिकॉज बैलेंसिंग करोगे तो आएगा, तो ये रिएक्शन होता है एग्जैक्ट। फिर से आपको याद क्या रखना है कि टॉलेंस रिएजेंट अल्डिहाइड के साथ रिएक्शन देता है, अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर पाता है, लेकिन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा। तो टॉलेंस टेस्ट कौन देंगे, अल्डिहाइड या कीटोन? आपको बस एक लाइन याद रखना है, अल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देता है, कीटोन टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है। आई होप इतना क्लियर है, नोट कर लीजिए। लेकिन इसमें जो इंपॉर्टेंट एक्सेप्शंस है, चलिए इनके बारे में बात कर लेते हैं। जनरल तो ये हो गया, अल्डिहाइड टेस्ट देता है टॉलेंस टेस्ट और कीटोन टॉलेंस टेस्ट नहीं देता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस है, मीन्स एक्सेप्शंस इन द सेंस कि ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप इनको ध्यान रखेंगे। पहला जो आपको सब याद होगा, RC CCH,
टॉलेंस रिएजेंट, TR मीन्स टॉलेंस रिएजेंट के साथ ये टेस्ट देगा या नहीं देगा। तो एसेंस ये टर्मिनल अल्काइन है, आपको पता है टर्मिनल अल्काइन टॉलेंस टेस्ट देता है, तो भले ही ये एल्डिहाइड नहीं है लेकिन ये टेस्ट देता है, राइट। मतलब मैं इसको जस्ट एक जगह पे सारी लिख देता हूँ, टर्मिनल अल्काइन भी टॉलेंस टेस्ट देता है। सेकेंड, अगर कोई अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, R-C-डबल बॉन्ड O CHOHR, मीन्स ये हो गया अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। कीटोन के अल्फा प्लेस पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, अगर आप इस पे भी टॉलेंस रिएजेंट ऐड करोगे तो ये भी ऑक्सीडाइज हो जाता है और R-C-डबल बॉन्ड O C-डबल बॉन्ड O R में कन्वर्ट होता है। ये भी अगर ऑक्सीडाइज होगा तो ये टेस्ट देता है। ऑल्दो यहाँ पे एल्डिहाइड नहीं है लेकिन सिंस ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है तो ये टेस्ट देगा। थर्ड, R(NH3+Cl-), इस पे अगर टॉलेंस रिएजेंट ऐड करोगे, टॉलेंस रिएजेंट में Ag+ है, Ag+Cl- के साथ मिल के ये क्या बनाएगा, AgCl का व्हाइट प्रेसिपिटेट बनाएगा। तो अगर Cl- आयन है सॉल्ट में तो भी टॉलरेंस टेस्ट देगा। फोर्थ, HCOOH, इसको बेसिकली बोलते हैं फॉर्मिक एसिड। और तो एसिड ये टेस्ट नहीं देते हैं, कोई भी एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एक एसिड है जो ऑक्सीडाइज हो सकता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं, इसमें HCOO ग्रुप होता है, CHO ग्रुप है, याद रखने के लिए कि इसमें CHO ग्रुप है इसलिए ये टेस्ट देता है। किसी भी एसिड में, मतलब एसिटिक एसिड और कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड ले लें, कोई टेस्ट नहीं देगा, सिर्फ फॉर्मिक एसिड देता है। टॉलरेंस रिएजेंट के साथ ये CO2+H2O में कन्वर्ट होता है, ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो याद रखिए, एसिड में सिर्फ एक एसिड है जो टॉलरेंस टेस्ट देता है, कौन सा, फॉर्मिक एसिड। फिफ्थ, अगर बात करें तो R-CHOH-OR, ये है बेसिकली हेमी एसिटल। आपको पता है हेमी एसिटल बेसिक मीडियम में अनस्टेबल होता है और ये ब्रेक हो जाएगा R-C-डबल बॉन्ड O H इसमें, और आपको पता है ये टेस्ट देता है, इसीलिए हेमी एसिटल टॉलरेंस टेस्ट देता है। फिफ्थ के बाद सिक्स, अगर यहीं पे हेमी कीटल होता, RCROHOR, तो बेसिक मीडियम में अगर आप यहां से ओ आर और एच बाहर निकालेंगे तो ये कन्वर्ट होगा RCOOR में, कीटोन में जा रहा है, तो फिर कीटोन आपको पता है टॉलरेंस टेस्ट नहीं देता है, इसलिए हेमी कीटल ये टेस्ट नहीं देगा। क्लियर है? RCROOR, अगर ये कीटल है, कीटल भी ये टेस्ट नहीं देगा, लेकिन अगर आपको ऐसा मिल जाए OH OR और यहाँ पे OH, देखिए ये बेसिकली ये जो ग्रुप दिख रहा है OH और OR है, अल्काइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप, ये हेमीकीटल दिख रहा है, लेकिन हेमीकीटल के अल्फा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है। अगर आप यहाँ से ROH बाहर निकालेंगे, ध्यान से देखिए आप, ये भी हेमीकीटल है लेकिन इस हेमीकीटल के अल्फा प्लेस पे OH ग्रुप है, तो क्या होगा, ये बेसिकली कन्वर्ट होगा C-डबल बॉन्ड O में, राइट। अब ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन बन गया, तो ये टेस्ट देगा। मींस हेमीकीटल के अल्फा प्लेस पे अगर OH ग्रुप है तो फिर ये टेस्ट देगा। एट के बाद नाइन्थ, OH OH इसका कॉमन नेम है,
कैटेकॉल, कैटेकॉल भी टेस्ट देता है, अगर टॉलेंस रिएजेंट ऐड करेंगे तो ये ऑक्सीडाइज होके कन्वर्ट होता है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ओ में, यहाँ पे पेंट डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो कैटेकॉल भी ये टेस्ट देता है। 9th के बाद 10th, ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज, सिस्टिक फाइब्रोसिस होते हैं, ये भी टेस्ट देते हैं। 11th, PHCHO, ये भी एरोमेटिक एल्डिहाइड है, ये भी टेस्ट देगा, टॉलरेंस टेस्ट देगा। 12th, ग्लाइऑक्सल, ग्लाइऑक्सल है बेसिकली HC डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, ये भी टेस्ट देगा, एल्डिहाइड दिख रहा है तो टेस्ट देगा। राइट, जो इंपॉर्टेंट कंपाउंड है बस इनका मैं लिस्ट दे रहा हूं। 13th, ग्लाइऑक्सैलिक एसिड, ये होता है HC डबल बॉन्ड O C डबल ओ एच। आप देख रहे हैं यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप है, इसीलिए ये भी टॉलरेंस टेस्ट देगा। 14th, पाइरूवल्डिहाइड, बस कॉमन नेम है इसलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया। ऑफ कोर्स ये भी पाइरूवल्डिहाइड हुई, CH3 C डबल बॉन्ड O CH O को कॉमन नेम है इसका पाइरूवल्डिहाइड, यहाँ पे CHO ग्रुप है इसलिए ये भी टेस्ट देगा। मतलब ऑल इन ऑल टॉलरेंस टेस्ट कौन देते हैं, तो एल्डिहाइड देगा, फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन देगा, फिर अगर Cl माइनस मिल रहा है सॉल्ट से वो देगा, फॉर्मिक एसिड देगा, हेमी एस्टर देगा, तो ये सारे टॉलरेंस टेस्ट दे रहे हैं। आप चाहे तो नोट पे लिख सकते हैं, आप चाहे तो नोट पे लिखिए, अभी लिखिए, आप लिखिए नोट में एल्डिहाइड, फिर अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, टर्मिनल अल्काइन, हैलाइड आयन, एल्डिहाइड, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, टर्मिनल अल्काइन, हैलाइड आयन, फॉर्मिक एसिड, फिर आप लिख सकते हैं कैटेकॉल, हेमी एसिटल गिब्स, हेमी एसिटल गिब्स पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। तो ये फिर आप कुछ एग्जांपल याद रखें कि जो भी पॉजिटिव टॉलरेंस टेस्ट देते हैं। राइट, ये था अपना फर्स्ट टेस्ट। सेकंड टेस्ट पे आते हैं।
सेकेंड टेस्ट इज फेलिंग टेस्ट। चलिए फेलिंग टेस्ट क्या होता है ये समझते हैं। फेलिंग टेस्ट में क्या होता है, अगर आप लैब में कभी फेलिंग टेस्ट परफॉर्म करोगे तो आपको सबसे पहले दो सॉल्यूशन दिए जाएंगे, राइट। चलिए मैं एक सॉल्यूशन को बोल रहा हूं फेलिंग ए एंड दूसरे सॉल्यूशन को जस्ट बोल रहा हूं फेलिंग बी। फेलिंग ए क्या होता है, जस्ट ये एक सॉल्यूशन है, बस मैंने नेम ने दिया ए, ठीक ना। फेलिंग ए मीन्स वन सॉल्यूशन है, फेलिंग बी जस्ट सेकेंड सॉल्यूशन है। फेलिंग ए में क्या होता है, अल्केलाइन कॉपर सल्फेट होता है, अल्केलाइन कॉपर सल्फेट। फेलिंग बी में होता है सोडियम और पोटेशियम टार्टरेट सॉल्यूशन, ठीक। इसका जस्ट एक और नेम है रॉशेल सॉल्ट भी बोलते हैं इसको, ठीक ना, रॉशेल सॉल्यूशन। तो सोडियम और पोटेशियम टार्टरेट सॉल्यूशन क्या होता है, सबसे पहले आपको टार्टरिक एसिड का स्ट्रक्चर समझना चाहिए। टार्टरिक एसिड होता है COOH, ये होता है टार्टरिक एसिड। अगर आप टार्टरिक एसिड में से H प्लस हटाएं और लेट्स से आपने Na प्लस लगा दिया तो ये बन जाएगा सोडियम टार्टरेट, पोटेशियम लगा दिया K प्लस लगा दिया तो ये बन जाएगा पोटेशियम टार्टरेट। आपके पास एक सोडियम टार्टरेट का सॉल्यूशन रहेगा, एक यहां पे अल्केलाइन CuSO4 रहेगा, राइट। आपके पास एक सॉल्यूशन है कंटेनर में, इसको मैं फेलिंग ए बोल रहा हूं, जिसमें अल्केलाइन CuSO4 है। एक सॉल्यूशन लेट्स से मैं इसको फेलिंग बी बोल रहा हूं, जिसमें सोडियम और पोटेशियम टार्टरेट रहेगा। जब भी आपको ये टेस्ट करना है आप पहले इन दोनों को मिक्स करिए, ठीक, सॉल्यूशन ए एंड सॉल्यूशन बी को। और आप लेट्स से अगर आपके पास अल्डिहाइड है, लेट्स से RCHO, जब अल्केलाइन CuSO4 और सोडियम टार्टरेट सॉल्यूशन को इसमें ऐड करेंगे तो ये अल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देते हैं। किसमें ऑक्सीडाइज करेंगे, आप सबको पता है कि अल्डिहाइड को ये एसिड में ऑक्सीडाइज कर देंगे। लेकिन अगर कीटोन होगा तो फिर से ये जो फेलिंग सॉल्यूशन है, फेलिंग सॉल्यूशन कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाएगा, तो फिर से फेलिंग टेस्ट कौन देगा, अल्डिहाइड या कीटोन? तो सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड ये टेस्ट देगा, राइट। चलिए मैं यहां पे रिएक्शन लिख देता हूं। अगर आपके पास RCHO है तो यहां से Cu2+ आता है और यहां पे ये एक्वा सॉल्यूशन में इसका कलर ब्लू होता है और RCHO ऑक्सीडाइज होके RCOO- में जाएगा, प्लस ये Cu2O में कन्वर्ट होता है जो कि रेड प्रेसिपिटेट होता है, रेड कलर होता है। तो अगर सॉल्यूशन ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो गया इसका मतलब इसने फेलिंग टेस्ट दिया है, राइट। फेलिंग टेस्ट पॉजिटिव आया है तो ये टेस्ट कौन देगा, सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड। कीटोन होगा तो कीटोन का ऑक्सीडेशन होगा ही नहीं, RCOOR है, अगर आपने Cu2+ लिया तो यहाँ पे रिएक्शन होगा ही नहीं। तो फिर से फेलिंग टेस्ट कौन देगा, सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड देगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज ये भी है, अल्डिहाइड फेलिंग टेस्ट देता है लेकिन अल्डिहाइड में भी सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक अल्डिहाइड देते हैं, एरोमेटिक अल्डिहाइड होगा तो फिर वो ये टेस्ट नहीं देता है। आप एक लाइन लिख सकते हैं नोट में, नोट में लिखिए कि ओनली एलिफैटिक अल्डिहाइड, ओनली एलिफैटिक अल्डिहाइड गिव्स, only aliphatic aldehyde gives failing test, चलिए सेकेंड के बाद थर्ड टेस्ट पे आते हैं। थर्ड टेस्ट इज बेनेडिक्ट टेस्ट। बेनेडिक्ट टेस्ट भी यहां पे
कुछ ऐसा ही है, आपके पास भी दो सॉल्यूशन होंगे, एक को बोलेंगे बेनेडिक्ट ए, बेनेडिक्ट ए, और दूसरा है बेनेडिक्ट बी। बेनेडिक्ट ए सॉल्यूशन बेसिकली यही सेम होता है, अल्केलाइन CuSO4 होता है, लेकिन बेनेडिक्ट बी बेसिकली ये होता है सोडियम साइट्रेट सॉल्यूशन। आपको मैं साइट्रिक एसिड का फॉर्मूला बता दूं, क्या होता है साइट्रिक एसिड होता है COOH बस, इसमें से आप H+ हटा के और Na+ लगा दीजिए तो ये हो जाएगा सोडियम साइट्रेट। अब क्या होगा अगर आपके पास अल्कलाइन CuSO4 है और आपके पास साइट्रिक एसिड है, मीन्स सोडियम साइट्रेट है, मतलब H+ हटा के आप Na+ लगा दीजिए, फिर से इन दोनों को मिक्स करिए, और अगर आपने एल्डिहाइड में डाला तो यहाँ पे Cu2+ रहेगा, Cu2+ रहेगा तो ये ब्लू से फिर से रेड में कन्वर्ट होगा, तो ये एल्डिहाइड ये टेस्ट देगा लेकिन कीटोन फिर से ये टेस्ट नहीं देगा, तो ये फिर से रिएक्शन सेम होगा। और यहां भी आपको एक नोट में पॉइंट लिखना पड़ेगा, यहां भी एरोमेटिक एल्डिहाइड, एरोमेटिक एल्डिहाइड मीन्स बेंजीन से अटैच्ड अगर CHO है तो ये टेस्ट नहीं देता है। एल्डिहाइड में भी सिर्फ और सिर्फ कौन से एल्डिहाइड ये टेस्ट देंगे, तो जो भी एलिफैटिक एल्डिहाइड है सिर्फ वही ये टेस्ट देते हैं। तो लिखिए इसमें आप ये रिएक्शन लिख लीजिए और नोट में लिखिए ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड, ओनली ओनली एलिफैटिक एल्डिहाइड गिव्स दिस टेस्ट, राइट। तो थर्ड के बाद फोर्थ सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट, ये रिएक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ा है एल्डिहाइड कीटोन में ही। मान लीजिए अगर आपके पास कोई एल्डिहाइड है और अगर आपने इसमें सोडियम बाइसल्फाइट ऐड कर दिया, यानी HSO3 ऐड कर दिया, तो ये बन जाएगा RCHOH और SO3 माइनस Na+, क्रिस्टलाइन व्हाइट प्रेसिपिटेट बनता है। लेकिन इस टेस्ट में मीन्स ये रिएक्शन कौन देता है, तो सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देता है। कीटोन में, कीटोन में भी कौन सा कीटोन देता है, सिर्फ एलिफैटिक, एलिफैटिक मिथाइल कीटोन, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ये कीटोन रिएक्शन नहीं देते हैं। कीटोन के एक साइड में मिथाइल होना चाहिए और दूसरे साइड में कोई एलिफैटिक ग्रुप होना चाहिए, नॉर्मल अल्काइल ग्रुप होना चाहिए, फिनाइल ग्रुप नहीं होना चाहिए, तभी ये टेस्ट देगा। तो ये रिएक्शन लिखिए और इसमें एक लाइन लिखिए कि ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस अल्डिहाइड एंड ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस अल्डिहाइड एंड एलिफैटिक मिथाइल कीटोन ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस अल्डिहाइड एंड एलिफैटिक मिथाइल कीटोन गिव्स सोडियम बाइसल्फाइट टेस्ट। इसको बोलते हैं बाइसल्फाइट, सोडियम बाइसल्फाइट टेस्ट। फोर्थ पर चलिए फिफ्थ स्किप्स बेस। तो ये बेसिकली कोई भी अल्डिहाइड या कीटोन है, RCH डबल बॉन्ड O है, अगर आपके पास RNH2 बन रहा है, ये रिएक्शन आप कर सकते हैं बहुत ही इजीली। क्या करना है, यहां से जस्ट H2 को बाहर निकालना है। अल्डिहाइड या कीटोन है अगर अमोनिया डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन करेंगे तो जस्ट H2 को बाहर निकालेंगे, RCH डबल बॉन्ड N सिंगल बॉन्ड R, इसको बोलते हैं स्किफ बेस। तो फिर से स्किफ बेस कौन फॉर्म करता है, तो अल्डिहाइड या फिर कीटोन। तो आप ये रिएक्शन लिखिए और इसमें एक लाइन लिख लीजिए, देखिए कि व्हेन अल्डिहाइड एंड कीटोन
इसमें लिखिए व्हेन अल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट्स विथ व्हेन अल्डिहाइड एंड कीटोन रिएक्ट्स विथ प्राइमरी अमाइन आरएनएच2 बेसिकली प्राइमरी अमाइन है व्हेन अल्डिहाइड एंड कीटोन ये कीटोन भी ये टेस्ट देता है तो व्हेन अल्डिहाइड और कीटोन रिएक्ट्स विथ प्राइमरी अमाइन स्किफ बेस इज फॉर्म्ड चलिए फिफ्थ के बाद सिक्स्थ ये तो क्या स्किफ बेस फॉर्म हो गया नेक्स्ट डिफरेंट एक टेस्ट है स्किफ्स रिएजेंट तो सबसे पहले समझते हैं कि स्किफ रिएजेंट क्या होता है जब मैं इसमें लिख देता हूं डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पैरा रोजैनिलीन हाइड्रोक्लोराइड डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ पैरा रोजैनिलीन हाइड्रोक्लोराइड और मैजेंटा डाई इज अ पिंक colored dye and is known as skiff dye मतलब अगर आपके पास पैरा रोजैनिलीन हाइड्रोक्लोराइड कंपाउंड है अगर इसका डाइल्यूट सॉल्यूशन है या फिर इसी को अपन मैजेंटा डाई बोलते हैं तो ये पिंक कलर का डाई होता है ठीक डाई मतलब जिस एक पर्टिकुलर होते हैं तो अगर पैरा रोजैनिलीन हाइड्रोक्लोराइड है अगर इसका आपने डाइल्यूट सॉल्यूशन लिया तो इसका कलर बेसिकली पिंक कलर होता है और इस पिंक कलर्ड डाई को बोलते हैं स्किफ डाई अभी मैंने स्किफ रिएजेंट पे नहीं आया हूँ अभी मैंने आपको सिर्फ क्या बताया स्किफ डाई क्या होता है तो पैरा रोजैनिलीन हाइड्रोक्लोराइड का डाइल्यूट सॉल्यूशन है इसका कलर पिंक होता है और इस डाई को बोलते हैं स्किफ डाई क्लियर है अब क्या करते हैं ये जो पिंक कलर है राइट अगर आप इसको SO2 अगर इसमें आपने पास कर दिया स्किफ डाई में अगर आपने क्या पास किया SO2 ये स्किफ डाई है अगर इसमें आपने SO2 गैस पास कर दिया ठीक तो क्या होता है जो इसका कलर पिंक था SO2 गैस पास करते ही ये कलरलेस हो जाता है ठीक तो अगर आपने SO2 गैस पास किया पिंक कलर्ड डाई में जो कि बोलते हैं अपन स्किफ डाई तो इस डाई का कलर क्या हो जाता है कलरलेस हो जाता है अब ये जो सॉल्यूशन बनेगा स्किफ डाई में SO2 गैस पास करने पे जो कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा इसको बोलते हैं स्किफ रिएजेंट क्या बोलते हैं स्किफ रिएजेंट आई होप बहुत ही सिंपल है स्किफ रिएजेंट क्या होता है तो सबसे पहले आपको स्किफ डाई समझना पड़ेगा तो पैरा रोजैनिलीन हाइड्रोक्लोराइड के डाइल्यूट सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलते हैं स्किफ डाई जिसका कलर पिंक होता है अगर आप इस पिंक कलर सॉल्यूशन में SO2 गैस पास करोगे तो फिर से इस डाई का जो सॉल्यूशन है ये कलरलेस हो जाता है और इस कलरलेस सॉल्यूशन को बोलते हैं स्किफ रिएजेंट क्लियर है तो चलिए इसमें एक लाइन नीचे भी लिख लेते हैं और लिखिए कि नीचे एक लाइन इट्स पिंक कलर is discharged by passing SO2 gas its pink color is discharged by passing SO2 gas and colorless solution is called skiff reagent and colorless solution is called skiff reagent clear up aapko skiff reagent samajh mein aa gaya
अब देखिए यार, सिंपल सी बात है। मान लीजिए कोई कंपाउंड है, राइट, और लेट्स से ये ए है, और आपने कोई इसमें लेट्स से रिड्यूसिंग एजेंट ही आप ऐड कर दो, राइट, या फिर चलो मान लो कि कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैंने ऐड कर दिया। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, ए को ऑक्सीडाइज करेगा, और ये ए को कन्वर्ट कर दिया ए प्लस में, ए का ऑक्सीडेशन हो गया, ए प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो अगर कोई कंपाउंड है ए, मान लेते हैं जस्ट ए का लेते कोई एलिमेंट ही है, इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और ये ऑक्सीडाइज हो गया ए प्लस में, राइट। तो ए को ऑक्सीडाइज करने के लिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, राइट। ए मान लेते जस्ट फॉर एग्जाम्पल समझो आप कि इसका कलर पिंक है और ये कलरलेस है। कोई कंपाउंड है ए जो कि पिंक कलर का है, किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, तो अब ये कलरलेस बन गया। अगर आपको पिंक कलर रिस्टोर करना है, ए प्लस से वापस ए पे आना है, तो अब आपको ए प्लस का रिडक्शन करना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? अगर आपको जो कि ए प्लस है कलरलेस बन चुका है, ए प्लस को वापस ए में ले जाना है, मतलब पिंक कलर फिर से रिस्टोर करना है, क्या करना पड़ेगा, ए प्लस का रिडक्शन करना पड़ेगा, प्लस 1 से 0 में जाना चाहिए। तो अगर ए प्लस का रिडक्शन करना है तो आपको कोई ऐसा रिएजेंट ऐड करना चाहिए, कोई ऐसा रिएजेंट ऐड करना चाहिए जो इसका रिडक्शन कर सके, राइट। मींस मुझे रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैं इस कलरलेस सॉल्यूशन में कोई रिड्यूसिंग एजेंट ऐड कर दूं, इस ए प्लस को ये रिड्यूस कर देगा ए में, और ये जैसे ही रिड्यूस करेगा फिर से पिंक कलर वापस आ जाएगा, क्लियर है। और रिड्यूसिंग एजेंट का ऑक्सीडेशन होता है, रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स दूसरे को रिड्यूस करेगा, खुद ऑक्सीडाइज होगा। बात को समझे, अभी इस टॉपिक में मत आओ, पहले आप ये समझो, कोई एलिमेंट है या फिर कोई भी आप कुछ ले लो, कंपाउंड है ए, पिंक कलर है, जैसे मैंने ऐसे एग्जांपल ले लिया, और किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया ए प्लस में, ए प्लस का कलर बेसिकली कलरलेस है, तो वापस अगर कलर लाना है, राइट, तो अब ए प्लस को फिर से ए में लाना है, ए प्लस का रिडक्शन करना है, तो आपको कुछ ऐसा चीज लेना पड़ेगा जिसका ऑक्सीडेशन हो जाए। रेडॉक्स रिएक्शन तभी होता है। तो अगर ए प्लस का रिडक्शन करना है तो आपको रिड्यूसिंग एजेंट लेना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट मीन्स जिसका खुद का ऑक्सीडेशन हो, क्लियर है। अब देखो यार, यहाँ पे समझो, पहले ये जो पहला रोजालिनिन हाइड्रोक्लोराइड सॉल्यूशन था, ये पिंक कलर है, स्किफ टाइप, SO2 ने क्या किया, इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, SO2 ने इसको ऑक्सीडाइज कर दिया, किस में, तो कलरलेस सॉल्यूशन में ऑक्सीडाइज कर दिया। अगर मुझे फिर से वापस अगर पिंक कलर चाहिए तो मुझे कोई रिड्यूसिंग एजेंट ऐड करना पड़ेगा। अब बताओ रिड्यूसिंग एजेंट में एक अल्डिहाइड और एक कीटोन में किसका ऑक्सीडेशन हो सकता है, अल्डिहाइड का या कीटोन का? तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन पॉसिबल है, कीटोन का ऑक्सीडेशन इजीली पॉसिबल नहीं है। तो अल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन हो सकता है, खुद ऑक्सीडाइज होगा तो दूसरे को रिड्यूस कर सकता है। इसीलिए ये जो कलरलेस सॉल्यूशन है स्किफ रिएजेंट का, अल्डिहाइड फिर से रिस्टोर कर देता है पिंक कलर में, लेकिन कीटोन रिस्टोर नहीं कर पाता है। बात समझ में आया क्या? नहीं समझा, फिर से बता रहा हूं, पिंक कलर SO2 पास करने से कलरलेस हो गया था, कलरलेस से फिर पिंक पे लाना है, तो ये काम कौन कर पाएगा, अल्डिहाइड या कीटोन? तो सिर्फ और सिर्फ अल्डिहाइड ये काम कर पाएगा। एक लाइन लिखिए आप नीचे, इसमें लिखिए कि अल्डिहाइड रिएक्ट विथ दिस रिएजेंट, अल्डिहाइड रिएक्ट विथ दिस रिएजेंट, अल्डिहाइड रिएक्ट विथ दिस रिएजेंट टू रीस्टोर इट्स पिंक कलर, टू रीस्टोर इट्स पिंक कलर। सेवेंथ आते मर्क्यूरी टेस्ट।
मर्क्यूरी टेस्ट क्या है भाई? तो HgCl2 प्लस RCHO, ये RCOOH ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, ये Hg+2 से रिड्यूस होगा, तो ये रिड्यूस होता है Hg2Cl2 प्लस Hg में। Hg का कलर ब्लैक, Hg2Cl2 का कलर व्हाइट, दोनों मिलके ये बन जाएंगे ग्रे। यहाँ पे आप देख सकते हैं Hg+2 में हम, तो यहाँ पे Hg+1 में, यहाँ पे 0, तो ये रिड्यूस हुआ है +1 एंड 0 में। Hg2Cl2 का कलर व्हाइट होता है, Hg का कलर ब्लैक होता है, मिक्सचर बेसिकली ग्रे कलर हो जाता है। तो मर्क्यूरी टेस्ट कौन देगा? सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड देगा, कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा। लिख लीजिए आप, एक चीज आप नोट में लिख सकते हैं, एक नोट में आप पॉइंट लिख लो नोट में, कि नोट में लिखिए कि अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड फॉर्मिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड फॉर्मिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड फॉर्मिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड फॉर्मिक एसिड गिव्स गिव पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट, गिव गिव पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट, ये टॉलेंस टेस्ट देते हैं। फिर फेलिंग्स टेस्ट, ये फेलिंग टेस्ट भी देंगे, बेनेडिक्ट टेस्ट, स्किफ रिएजेंट टेस्ट एंड मर्क्यूरी टेस्ट, ये पांचों टेस्ट ये दोनों देते हैं हम। क्या बोला मैंने लाइन? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन एंड फॉर्मिक एसिड गिव पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, बेनेडिक्ट टेस्ट, फिर यहाँ पे स्किफ रिएजेंट टेस्ट एंड मर्क्यूरी टेस्ट। चलिए एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट। आपको बताना इनमें से कौन कौन से पॉजिटिव टॉलेंस टेस्ट देंगे। वन ब्यूटाइन, टू ब्यूटाइन, से ट्राई करिए, बताइए कौन कौन से टेस्ट देंगे।
देखते हैं, पहले ये तो कीटोन एल्डिहाइड है, राइट, यहाँ पे हाइड्रोजन एल्डिहाइड है तो ये टेस्ट देगा, कीटोन है टेस्ट नहीं देगा, अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है, कीटोन के अल्फा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये टेस्ट देगा, अल्कोहल नहीं देगा, कीटोन के ये CH3COOH है यार, ये टेस्ट नहीं देगा, समझ में आ रहा है, CH3COO सिंगल बॉन्ड OH है, टेस्ट नहीं देगा। वन ब्यूटाइन टर्मिनल अल्काइन है, ये टेस्ट देगा। टू ब्यूटाइन नॉन टर्मिनल अल्काइन, ये टेस्ट नहीं देगा। हेलाइड आयन, ये टेस्ट देगा। ईथर है, टेस्ट नहीं देगा। लेकिन इसके बारे में देखा जाए, आप इस कार्बन पे कॉन्सेंट्रेट करें यहाँ पे, तो यहाँ पे कार्बन है एक, यहाँ पे एक ग्रुप है अल्काइल ग्रुप, मान लीजिए अल्काइल ग्रुप ऐसे ही है, एक OH ग्रुप है, एक यहाँ पे OR ग्रुप है, राइट, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन है। अगर मैं इसको सोचूं, यहाँ पे कार्बन से अटैच हाइड्रोजन है, OH है, OR है, और कार्बन पे एक अल्काइल ग्रुप है, मतलब ये कुछ कैसा दिख रहा है, ये जो ग्रुप दिख रहा है आपको, राइट, मतलब ये एक R है, कार्बन हाइड्रोजन OH एंड OR, कुछ ऐसा ही दिख रहा है। तो यार ये बेसिकली क्या हो गया, हेमी एसिटल हो गया, हेमी एसिटल टेस्ट देता है, इसीलिए ये टेस्ट देगा। पॉइंट समझ में, मैंने कैसे ब्रेक किया, ध्यान से सुनिए। इस कार्बन पे अगर आप देखेंगे, कार्बन से अटैच्ड हाइड्रोजन है, कार्बन से अटैच्ड OH है, कार्बन से अटैच्ड ये अल्काइल ग्रुप है, राइट, और कार्बन से अटैच्ड यहाँ पे OR ग्रुप है, OR, R मीन्स ये अल्काइल ग्रुप रहेगा, भले ही ये R ऐसे अटैच रहेंगे, कार्बन से अटैच्ड OR अल्काइल हाइड्रोजन OH, ये आपको हेमी एसिटल दिख रहा होगा, हेमी एसिटल है इसीलिए ये टेस्ट देगा। अब इसको ऐसे ही ब्रेक करेंगे, 11th को यहां पे आप ब्रेक करें, कार्बन अल्काइल ग्रुप हाइड्रोजन ओ आर, और ये भी ओ से अटैच आर ही है, ये हेमिकिटल हो गया, हेमिकिटल ये टेस्ट नहीं देता है। ये फिर से आप वैसे ब्रेक करें, कार्बन पे ओ एच ओ आर आर एच, ओ से अटैच कार्बन है ना, आप इसको फिर से बोल सकते हैं, कहीं भी इधर भी है इधर भी, कहीं से आप ब्रेक कर सकते थे, कार्बन से अटैच अल्काइल ग्रुप OH हाइड्रोजन और एक O, कार्बन से अटैच्ड OH है तो मैं इसको कार्बन या फिर अल्काइल ग्रुप मान सकता हूँ, तो ये भी हेमी एसिटल है, कार्बन से अटैच्ड अल्काइल हाइड्रोजन OH OR हेमी एसिटल है, इसलिए ये भी टेस्ट देगा, 12th भी टेस्ट देगा। फॉर्मिक एसिड आपको पता है, ये टेस्ट देता है। नेक्स्ट, अगर एसिटोफिनॉन देखा जाए, तो एसिटोफिनॉन का स्ट्रक्चर होता है बेंजीन, ये टेस्ट देगा ही नहीं देगा, तो ये नहीं देगा एसिटोफिनॉन, राइट, फिर ये ग्रुप, ये देख सकते हैं इसके कारण, यहां पे यहां से अटैच कार्बन से अटैच हाइड्रोजन ओ एच ओ आर आर, यहां पे हेमी एसिटल है इसलिए ये टेस्ट देगा। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम, फर्स्ट यहाँ पे टॉलेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, कॉलम बना लीजिए आप, नेक्स्ट बेनेडिक्ट टेस्ट, 2,4-DNP टेस्ट, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा होगा, 2,4-DNP, नेक्स्ट रीजेंट है, स्किफ बेस फॉर्म करेगा या नहीं करेगा, स्किफ रिएजेंट टेस्ट देगा या नहीं देगा, और NaOH I2 हैलो फॉर्म टेस्ट देगा या नहीं देगा।
तो आपको बताना है। ठीक, से मैं आपको एक जस्ट करके बताता हूँ। यहाँ पे अल्डिहाइड है, टॉलेंस टेस्ट बिल्कुल देगा, फेलिंग टेस्ट भी देगा, बेनेडिक टेस्ट भी देगा, 2,4-DNP टेस्ट अल्डिहाइड और कीटोन दोनों देते हैं। स्किफ बेस अल्डिहाइड और कीटोन दोनों फॉर्म करते हैं। स्किफ रिएजेंट सिर्फ अल्डिहाइड देता है, तो अल्डिहाइड है। NaOH-I2 तो हैलोफॉर्म टेस्ट, CH3 मतलब ये कुछ ऐसा है यार, CH3CHO हैलोफॉर्म के लिए कंडीशन होता, तो ये भी ये टेस्ट देगा। क्लियर है, सारे टेबल आप कंप्लीट करें फिर। अब यहाँ पे देखते हैं, फिर ये कीटोन है, टॉलेंस टेस्ट नहीं देगा, फेलिंग टेस्ट भी नहीं देगा, बेनेडिक्ट भी नहीं देगा, 2,4-DNP देगा। 2,4-DNP फेलिंग और सॉरी अल्डिहाइड एंड कीटोन दोनों देते हैं। स्किफ बेस ये फॉर्म करेगा, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों ही स्किफ बेस फॉर्म करते हैं। स्किफ रिएजेंट के साथ सिर्फ अल्डिहाइड रिएक्ट करता है। और क्लोरोफॉर्म टेस्ट, ये CH3CO ग्रुप है तो ये क्लोरोफॉर्म टेस्ट देगा। क्लियर है, एरोमेटिक अल्डिहाइड है, टॉलेंस टेस्ट देगा, फेलिंग नहीं देगा, बेनेडिक्ट नहीं देगा। फेलिंग और बेनेडिक्ट में कंडीशन था कि सिर्फ और सिर्फ एलिफैटिक अल्डिहाइड ही ये टेस्ट देते हैं। क्लियर है, फिर यहां पे देखिए 2,4-DNP बिल्कुल देगा, स्किफ बेस भी देगा, स्किफ रिएजेंट ये टेस्ट देगा, NaOH और I2 तो यार यहां पे CH3CO ग्रुप नहीं है तो ये टेस्ट नहीं देगा। अल्फा हाइड्रोक्सीकीटोन है, टॉलेंस टेस्ट देगा, फेलिंग भी देगा, बेनेडिक्ट भी देगा, 2,4-DNP देगा ये, राइट। स्किफ बेस फॉर्म करेगा, बिल्कुल फॉर्म करेगा, स्किफ बेस सी डबल बॉन्ड वो है तो फॉर्म करेगा। स्किफ रिएजेंट टेस्ट ये भी देगा और NaOH I2 के साथ CH3CO ग्रुप है तो ये टेस्ट देगा। फिर ये PHCOCH3 टॉलरेंस टेस्ट नहीं देगा, फेलिंग भी नहीं, कीटोन है ये, राइट, तो फेलिंग भी नहीं देगा, बेनेडिक्ट भी नहीं देगा, 2,4-DNP देगा, स्किफ बेस फॉर्म करेगा, कीटोन है। फिर स्किफ रिएजेंट अल्डिहाइड देता है तो ये टेस्ट नहीं देगा, लेकिन NaOH और I2 CH3CO ग्रुप है तो ये क्लोरोफॉर्म टेस्ट हैलोफॉर्म टेस्ट देगा। एक बार नोट कर लीजिए आप। तो ये था हमारा कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ अल्डिहाइड, राइट। आप ध्यान से देखें, तो अपन अब नेक्स्ट रिएक्शन पे आते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। तो समझते हैं बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन क्या है। तो मान लीजिए यहाँ पे आपके पास R1 ले लेता हूँ, सी डबल बॉन्ड ओ R2 है, और आपने कोई पर एसिड ले लिया RCOO सिंगल बॉन्ड OH, तो ये पर एसिड होता है, पेरोक्साइड लिंकेज है। तो अगर किसी भी कीटोन को अगर आपने या कार्बोनिल कंपाउंड को पर एसिड के साथ रिएक्ट किया, हीट किया, तो ये बन जाएगा ये रिएक्शन होगा। तो भाई इसको ऑक्सीडेशन क्यों बोलते हैं, बिकॉज इस मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन का एडिशन हुआ है, तो एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। क्लियर है, इस रिएक्शन का नेम है बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन। चलिए इसका मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म कुछ ऐसा होगा कि यहाँ पे आर सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ, इसलिए मैं इसको स्टार मार्क कर देता हूं, तो आपको समझ में आएगा कि कौन सा ऑक्सीजन इंसर्ट हो रहा है, राइट।
यहाँ पे आपको तीन ऑक्सीजन दिख रहे हैं, तो कौन सा ऑक्सीजन इंसर्ट होगा, इसलिए मैंने एक ऑक्सीजन को स्टार मार्क कर दिया। आप हीट करेंगे तो पहले स्टेप में ये एच प्लस देगा, एसिड है, आर सी डबल ओ सिंगल बॉन्ड ओ, ओ स्टार है ये, माइनस प्लस एच प्लस, राइट। अब क्या होगा, आपके पास आर वन सी डबल बॉन्ड ओ आर टू है, इस पे एच प्लस का रिएक्शन कोई भी बता सकते हैं। यहां पे एच प्लस कहां पे ऐड होगा, तो ऑक्सीजन पे ऐड होगा, तो ये बन जाएगा आर वन सी आर टू ओ माइनस सी प्लस, ओ माइनस पे एच ऐड हो गया, तो ओ एच यहां पे सी पे प्लस रहेगा, राइट। अब इस पे ये मॉलिक्यूल अटैक करेगा, तो चलिए मैं यहीं पे लिख देता हूं, इस पे अगर ये मॉलिक्यूल अटैक करेगा आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ ओ स्टार माइनस, ध्यान दें कि ओ स्टार देने का मतलब है कि आप जस्ट इस ऑक्सीजन को आप देख सके कहां पे है, ये जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से अटैच है ये ओ स्टार मैंने लिखा है, ओ स्टार है, ये कहां पे अटैक करेगा, इस पे अटैक करेगा, तो ये बन जाएगा आर वन सी आर टू ओ एच था, सी प्लस से मैंने इसको अटैच कर दिया, ओ स्टार सिंगल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ आर। एक बार आप ध्यान से देख लें, आई होप यहां तक क्लियर होगा, मींस मैंने किया क्या यहां पे, ओ माइनस को जस्ट इससे अटैच कर दिया सी प्लस से, राइट। तो क्या होगा यहां पे कि ओ माइनस सी प्लस अटैच किया, तो आर वन सी ओ एच, आर टू को बस मैंने नीचे लिख दिया, और सिंगल बॉन्ड ओ स्टार सिंगल बॉन्ड ओ सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड आर। अब यहां पे क्या होगा नेक्स्ट स्टेप में, यार ये जो पेरोक्साइड बॉन्ड है सी सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड सी, पेरोक्साइड बॉन्ड मैं आपको बता दूं ये वीक होता है, बिकॉज यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन होगा, तो ये वीक होता है, पेरोक्साइड लिंकेज रिलेटिवली अनस्टेबल होता है। और मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये जो आर सी डबल ओ माइनस है ये गुड लिविंग ग्रुप है, तो ये क्या करेगा आर सी डबल ओ माइनस यहां से बाहर जाएगा, ये क्या करेगा ध्यान से सुनना, किसके फॉर्म में बाहर जा रहा है, तो ये बाहर जा रहा है आर सी डबल बॉन्ड ओ ओ माइनस के फॉर्म में बाहर जा रहा है, बिकॉज ये गुड स्टेबल है यार एनायन, तो ये यहां से बाहर जाएगा, तो जैसे ही ओ माइनस बाहर जाएगा इस ओ पे क्या बनेगा, इस ओ स्टार वाले पे प्लस बनेगा। अब क्या होगा इन दोनों में एक ग्रुप माइग्रेट करेगा, जिसका भी माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है वो माइग्रेट करेगा, तो चलिए मान लीजिए कि आर वन का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है तो इस पे माइग्रेट कर गया, आर वन माइनस यहां से बाहर आएगा और इस पे माइग्रेट किया, तो क्या बनेगा सी सिंगल बॉन्ड ओ एच सिंगल बॉन्ड आर टू यहां पे प्लस रहेगा सिंगल बॉन्ड ओ स्टार सिंगल बॉन्ड आर वन। ध्यान देने वाली बात यह है कि मैंने माना है आर वन एंड आर टू में कौन बेटर माइग्रेटरी ग्रुप है, तो आर वन बेटर माइग्रेटरी ग्रुप है, जो भी बेटर माइग्रेटरी ग्रुप होगा वही माइग्रेट करेगा। इसके आगे की स्टोरी तो आपको पता है, रेजोनेंस कर दो यार, क्या हो जाएगा सी डबल बॉन्ड ओ एच प्लस सिंगल बॉन्ड ओ स्टार आर वन सिंगल बॉन्ड आर टू, एच प्लस को हटा दो क्या बन गया आर टू सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ स्टार सिंगल बॉन्ड आर वन। ऑक्सीजन इनमें से कौन सा अटैच हुआ है, तो ये वाला ऑक्सीजन अटैच हुआ है यहां पे, नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट, ऑक्सीजन किसके किसके बीच में इंसर्ट होगा, तो सी डबल बॉन्ड ओ एंड जो बेटर माइग्रेटरी ग्रुप है, बेटर माइग्रेटरी ग्रुप आर वन था, तो आर वन एंड सी डबल बॉन्ड ओ के बीच में आप ऑक्सीजन को इंसर्ट कर दें, क्लियर है पॉइंट। फिर से एक बार मैं क्या नियम बता रहा हूं, एच प्लस और ओ माइनस में ब्रेक किया, एच प्लस यहां पे अटैच हो गए सी सिंगल बॉन्ड ओ एच सी पे प्लस, ये ओ माइनस इस पे अटैच हुआ, यहां तक तो आपको कुछ भी डाउट नहीं रहा होगा। यहां से आर सी डबल ओ माइनस बाहर जाने वाला है, ओ पे प्लस आएगा, तो नेक्स्ट जो भी बेटर माइग्रेटरी ग्रुप है यहां से माइग्रेट करके आर वन माइनस के फॉर्म में ओ प्लस पे अटैच हो जाएगा, तो ओ प्लस आर वन माइनस मिलके ओ आर वन बना देगा। अब सी से सिंस आर वन माइनस बाहर गया है तो आर वन माइनस जाएगा, तो यहाँ पे सी पे प्लस आएगा, सी पे प्लस है, फिर मैंने रेजोनेंस करके जस्ट सी डबल बॉन्ड ओ लिख दिया, क्लियर है। देखो यार इसमें फिर से मैकेनिज्म लर्न करने की कोई नीड नहीं है, बस आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखना है वो लिख लीजिए एक लाइन, की पॉइंट सिर्फ यही है प्रॉब्लम सॉल्व करने का।
की पॉइंट लिख लीजिए कि इंसर्ट ऑक्सीजन insert oxygen between insert oxygen between C double bond O and insert oxygen between C double bond O and better migratory group between C double bond O and better migratory group हो गया। तो इस की पॉइंट्स आप सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन की। बस एक लाइन का, इन दोनों में जिसका भी माइग्रेटरी ग्रुप ज्यादा है, मतलब इस केस में मान लेता हूं कि R2 का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है, तो ऑक्सीजन मैंने C और R2 के बीच में इंसर्ट किया था। अगर R1 का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होता, मतलब इस मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग, ठीक, तो अगर R1 का माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा है तो आप ऑक्सीजन कहां पे इंसर्ट करेंगे? C और R1 के बीच में। क्लियर है क्या? नोट में पॉइंट लिख लीजिए, नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखिए आप, नोट में फर्स्ट पॉइंट लिखिए कि इन दिस रिएक्शन, फर्स्ट पॉइंट, इन दिस रिएक्शन दैट ग्रुप विल बी शिफ्टेड, इन दिस रिएक्शन दैट ग्रुप विल बी शिफ्टेड विच हैज दैट ग्रुप विल बी शिफ्टेड विच हैज बेटर माइग्रेटरी ग्रुप विच हैज बेटर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इन दिस रिएक्शन दैट ग्रुप विल बी शिफ्टेड विच हैज बेटर माइग्रेटरी एप्टीट्यूड पॉइंट नंबर टू आपको माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर याद होना चाहिए। तो लिखिए कि इन जनरल order of migratory aptitude, order of migratory aptitude is hydrogen सबसे ज्यादा, फिर phenyl, फिर 3 degree, फिर 2 degree, फिर 1 degree, फिर methyl, ये होता है migratory aptitude का order। क्लियर है? लिख लीजिए कि in general order of migratory aptitude is hydrogen, phenyl, 3 degree, 2 degree, 1 degree and methyl। हो गया। लेकिन जो पॉइंट नंबर थ्री जो सबसे इंपॉर्टेंट है, लिखिए कि बट इन बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन, बट इन बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज, बट इन बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज, ऑर्डर ऑफ माइग्रेटरी एप्टीट्यूड इज हाइड्रोजन, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिनाइल, 1 डिग्री एंड देन मिथाइल। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब नीट और जेई मेंस जैसे एग्जाम के लिए। जनरली माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर हाइड्रोजन, फिर फिनाइल, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, मिथाइल होता है, लेकिन बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर फिनाइल, फिर 1 डिग्री एंड देन मिथाइल होता है। ये ऑर्डर सिर्फ और सिर्फ बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन में ही यूज होता है, ठीक। रीजन फिर से इंपॉर्टेंट नहीं है, ये ऑर्डर इंपॉर्टेंट है। आपसे एग्जैक्ट ये ऑर्डर पूछ सकते हैं कि बेयर विलिगर ऑक्सीडेशन में माइग्रेटरी एप्टीट्यूड का ऑर्डर क्या होता है। बात समझ में आ रही है? तो आप ये ऑर्डर लर्न करें, क्योंकि यूजुअली हम क्या सोचते हैं कि हाइड्रोजन, फिर फिनाइल, फिर 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, मिथाइल, लेकिन यहां पे क्या होता है? हाइड्रोजन, 3 डिग्री, 2 डिग्री, फिर फिनाइल, फिर 1 डिग्री मिथाइल। चलिए मैं रीजन आपको बता रहा हूं, लेकिन फिर से रीजन इंपॉर्टेंट नहीं है जेई मेंस या फिर नीट जैसे एग्जाम के लिए, आपको ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, राइट। लेकिन चलिए मैं आपको रीजन बता रहा हूं ऐसा होता क्यों है। मतलब यूजुअली फिनाइल का ऑर्डर 3 डिग्री 2 डिग्री से पहले होना चाहिए यूजुअली, लेकिन बेयर विलिगर में 3 डिग्री 2 डिग्री पहले आता है, फिर बाद में फिनाइल आता है। अब इसका रीजन सोचते हैं। चलिए केस वन, आपको 3 डिग्री टू एंड 2 डिग्री वर्सेस फिनाइल, किसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज्यादा होना चाहिए? तो यूजुअली क्या होता है, फिनाइल का ज्यादा होता है और अल्काइल ग्रुप का कम होता है। लेकिन यहां पे क्या होता है, देखिए
मैंने आपको मैकेनिज्म इसलिए यहाँ पे इरेज नहीं किया, ये जो बॉन्ड ब्रेक हो रहा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन देख रहे हैं आपको, ये बॉन्ड ब्रेक होने वाला है और ये ग्रुप माइग्रेट करेगा इस ऑक्सीजन पे, राइट। अब देखेंगे ये जो पूरा ग्रुप है, ये पूरा ग्रुप यहां से बाहर जाने वाला है, इस ऑक्सीजन के पास कितने लोन पेयर रहेंगे, इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर रहेंगे, समझ में आ रहा है, इस ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर और एक ये पूरा ग्रुप है। इस कार्बन पे क्या अटैच है, OH है, R1 है, R2 है। एक बार इमेजिन करिए कि R1 के जगह पे अगर मैंने फिनाइल रख दिया, R2 की जगह पे चलिए मान लीजिए मैंने 3 डिग्री ग्रुप रख दिया, कौन माइग्रेट करेगा? अगर आपको इनमें सोचना है तो आप यहां से इस कार्बन एंड ऑक्सीजन के अबाउट न्यूमन ड्रॉ करें, किसके अबाउट, इस कार्बन एंड ऑक्सीजन के अबाउट अगर आप न्यूमन ड्रॉ करने का सोचेंगे तो इस कार्बन से OH अटैच है, फिनाइल अटैच है, 3 डिग्री अटैच है, इस ऑक्सीजन से एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और एक ये जो लिविंग ग्रुप दिख रहा है RCOO, ये लिविंग ग्रुप है, क्लियर है। किसके अबाउट में न्यूमन प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं, न्यूमन प्रोजेक्शन शायद आपको समझ में आ रहा होगा, ऐसे होता है, याद आ रहा है कुछ, याद है? तो अगर मैं यहां पे न्यूमन प्रोजेक्शन अगर ड्रॉ करूं, राइट, तो मान लीजिए यहां पे सेंटर पे मैं ऑक्सीजन लिख रहा हूं, किसके अबाउट में न्यूमन प्रोजेक्शन ड्रॉ करूं, इस कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड के अबाउट। अब देखेंगे ये जो ऑक्सीजन दिख रहा है, ऑक्सीजन राइट, और इससे दो लोन पेयर अटैच है, एक लोन पेयर, दूसरा लोन पेयर और यहां से ये अटैच्ड है OCOOR, ऑक्सीजन से दो लोन पेयर OCOOR, सब 120 डिग्री पे हैं। फिर यहां पे कार्बन है, फ्रंट पे मान लो यहां पे कार्बन है, ठीक, कार्बन से OH अटैच्ड है, 3 डिग्री है और फिनाइल है, राइट। तो अगर देखा जाए तो यहां पे देखिए बल्की ग्रुप ये है, लोन पेयर तो बहुत हल्की ग्रुप है, स्मॉलर ग्रुप है, ये बहुत ही बल्की ग्रुप है, आपको OH रखना है, फिनाइल रखना है और 3D रखना है, आप OH चलिए यहां पे रख लीजिए। अब यहां पे एंटी पोजीशन पे फिनाइल एंड 3 डिग्री में 3 डिग्री बल्की होता है और फिनाइल स्मॉलर ग्रुप होता है, तो यहां पे आप किसको रखेंगे, देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, मैं पास में फिनाइल को रखूंगा, 3 डिग्री को ऊपर रखूंगा या 2 डिग्री को भी, रीजन इज कि यहां पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, जस्ट दो लोन पेयर है, लेकिन यहां पे क्या है, एक ये बल्की ग्रुप है, बल्की ग्रुप के पास में एक बल्की ग्रुप रख दूं तो स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ जाएगा, बात समझ में आ रही है? इसीलिए स्टेबल स्ट्रक्चर यही होगा कि जो बल्की ग्रुप है लिविंग ग्रुप, इसके एंटी पोजिशन पे 3 डिग्री या 2 डिग्री को रखा जाए, फिनाइल छोटा है 3 डिग्री के रेस्पेक्ट में तो फिनाइल पास में रहेगा। अब क्या होगा जब ये ग्रुप बाहर जाएगा तो ऑलवेज एंटी वाला ही ग्रुप इस पे अटैक करेगा, तो यहां से कौन बाहर जाएगा, इस COOR बाहर जाएगा, तो यहां से 3 डिग्री बाहर जाएगा, समझ में आ रहा है? तो रूल क्या होता है, ग्रुप दैट इज ग्रुप एट एंटी पोजिशन विल माइग्रेट, वही ग्रुप माइग्रेट होता है जो एंटी पोजीशन पे होता है, तो लिविंग ग्रुप के एंटी पोजीशन पे 3 डिग्री है तो 3 डिग्री माइग्रेट करेगा। लेकिन अगर मैं केस टू ले लूं, लेट्स से 1 डिग्री एंड मिथाइल वर्सेस फिनाइल, अगर यहां पे एक फिनाइल और यहां पे लेट्स से 1 डिग्री है, समझे कैसा होगा स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन दो लोन पेयर, एक ही लिविंग ग्रुप OCOOR, एक OH है, दूसरा 1 डिग्री या फिनाइल, बल्की ग्रुप कौन है, अब फिनाइल बल्की है, तो मैं क्या करूंगा, फिनाइल को यहां पे रखूंगा, इससे दूर रखूंगा, तो यहां पे फिनाइल रखूंगा, यहां पे 1 डिग्री या मिथाइल को रखूंगा यार। अब लिविंग ग्रुप के एंटी पोजीशन पे फिनाइल आ गया, इसीलिए अब कौन माइग्रेट करेगा, फिनाइल माइग्रेट करेगा यहां से RCOO के प्लेस पे, इसलिए फिनाइल या 1 डिग्री है तो फिनाइल माइग्रेट करेगा, लेकिन फिनाइल 3 डिग्री 2 डिग्री है तो 3 डिग्री या 2 डिग्री माइग्रेट करेंगे। पॉइंट समझ में आया? फिर से ये एग्जैक्ट लॉजिक हुआ, लेकिन फिर से आपको ऑर्डर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लियर है? चलिए मैं आपको कुछ प्रॉब्लम्स
प्रॉब्लम सब दे रहा हूँ सॉल्व करना। आपको ये पर एसिड है, पर एसिड क्या हो सकते हैं मैं आपको ये भी बता देता हूं। पर एसिड कैन बी, जैसे मान लो ये CH3C OH पर एसिटिक एसिड, PHC OH पर बेंजोइक एसिड, CF3C OH, MCPBA, ये मैंने आपको बताया भी था, मेटा क्लोरो पर बेंजोइक एसिड, MMPP, ये होता है मैग्नीशियम मोनोपेरोक्सी थैलेट। तो ये सारे बेसिकली पर एसिडी है। करना कुछ नहीं है, अगर किसी भी एल्डिहाइड एकीकरण पर अगर ये आ जाए तो बस सी डबल बॉन्ड हुआ एंड बेटर माइग्रेटरी ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट्स कर दिया। चलिए सॉल्व करते हैं एग्जांपल। MCPBA अगर यहाँ पे सॉल्व करना है मिथाइल एंड इथाइल में एक लाइन के जस्ट प्रॉब्लम है, थ्री डबल बॉन्ड एंड बेटर माइग्रेटरी ग्रुप के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट करो, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 डिग्री एंड इथाइल में 3 डिग्री बेटर माइग्रेटरी ग्रुप है तो ऑक्सीजन, 3 डिग्री एंड फिनाइल में 3 डिग्री तो ऑक्सीजन, 2 डिग्री एंड फिनाइल में 2 डिग्री ऑक्सीजन, 1 डिग्री एंड फिनाइल में फिनाइल तो यहाँ पे ऑक्सीजन, जस्ट ऑक्सीजन इंसर्ट करना है, फिनाइल एंड मिथाइल में फिनाइल ऑक्सीजन, सी डबल बॉन्ड हो दोनों ही सेम है तो फिर यहां पे ऑक्सीजन इंसर्ट कर दो। अरे ये 1 डिग्री 2 डिग्री तो 2 डिग्री बेटर माइग्रेटरी ग्रुप है तो ऑक्सीजन, राइट फिनाइल इधर अटैच है इधर 1 डिग्री है तो ऑफकोर्स फिनाइल तो यहां पे ऐसे ऑक्सीजन, फिनाइल इधर 3 डिग्री है 3 डिग्री तो इसलिए 3 डिग्री एंड डबल बॉन्ड के बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट कर दीजिए। यहां पे फिनाइल और यहां पे NO2 ग्रुप माइनस M ग्रुप से माइग्रेटरी ग्रुप
एप्टीट्यूड डिक्रीज होता है, इसीलिए इसका माइग्रेटरी एप्टीट्यूड ज़्यादा है, इसलिए ऑक्सीजन यहाँ पे ऐड करेंगे। आई होप इतना क्लियर है। चलिए आपको ये ट्राई करना, एटलीस्ट आप 12, 13, 14 तो ट्राई कर सकते हैं, करिए जरा। चलिए यहाँ पे CH3CHO है, तो हाइड्रोजन एंड मिथाइल में हाइड्रोजन का माइग्रेटरी ग्रुप ज्यादा है, इसलिए ये बनेगा CH3COOH। राइट, ये क्या हो जाएगा, फिनाइल एंड हाइड्रोजन में हाइड्रोजन का, इसलिए बन जाएगा PHCOOH, ये हो गया ए। राइट, ये ए बन जाएगा, इस पे N3H आपको याद है, तो ये क्या बन जाएगा PHNH2 बन जाएगा। RCOOH पे N3H H+ RNH2 बनता है, ये मैंने कहाँ पे पढ़ाया था, तो आप देखना ये नाइट्रीन में पढ़ाया होगा रिएक्शन मैकेनिज्म में। तो B विल बी PHNH2, PHCOOH पे SOCl2, ये हो जाएगा PHCOOCl, राइट, PHCOCl, PHCOCl पे RMgX, Me- देगा ये, और ये इस पर अटैक करेगा, यहां से बाहर जाएगा, वन इक्विवेलेंट है, तो जस्ट ये PHC OOMe, ये बन जाएगा, क्लियर है। फिर से MCPBA, बेटर माइग्रेटरी ग्रुप इथाइल है, तो A विल बी CH3COOC2H5, ये हो गया A। अब इस पे ETO- का रिएक्शन क्या करेंगे, अब RO- CVRO- कॉमन है, तो ये ETO- इस पे अटैक करेगा, तो मैं मैकेनिज्म से आपको सॉल्व करके बताता हूँ, ये हो जाएगा CH2- C OOC2H5, राइट। अब ये न्यूक्लियोफाइल बनेगा और ये खुद दूसरे मॉलिक्यूल पे, मतलब एक और मॉलिक्यूल लेंगे C2H5, ये इस पे अटैक करेगा और यहां से बाहर जाएगा, तो क्या बनेगा यहां से CH3COOCH2COOC2H5, ये बन गया। अब इसका हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, तो यार ये एस्टर है, तो हाइड्रोलिसिस के बाद ये बन जाएगा
सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच टू सी डबल ओ एच। हीट करेंगे तो सी ओ टू बाहर जाएगा, ये हो जाएगा सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, राइट। 15th देखते हैं अपन। तो सबसे पहले मैं चलो इधर का इरेज कर दूं, पहले आपको बताऊं कि एन थ्री एच को हीट करने से क्या बनता है। पहले तो आप ये दिमाग लगाओ कि अगर आपके पास एन थ्री एच है और आपने हीट किया तो क्या बनेगा। पहले एन थ्री एच का स्ट्रक्चर अगर देखा जाए तो होता है एन डबल बॉन्ड एन डबल बॉन्ड एन सिंगल बॉन्ड एच, एन पे माइनस एन पे प्लस, राइट। और अगर इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ड्रॉ किया जाए तो ये बॉन्ड इधर और एक ये बॉन्ड इधर, तो ये क्या हो जाएगा एन ट्रिपल बॉन्ड एन प्लस सिंगल बॉन्ड एन माइनस सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, राइट। आपको पता है एन टू वुड लिविंग ग्रुप है, तो हीट करने से यहां से एन टू बाहर जाएगा, मीन्स यहां से क्या हो जाएगा एन टू बाहर जाएगा, तो ये बन जाएगा एन सिंगल बॉन्ड एच माइनस मीन्स लोन पेयर और एक ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा। एन सिंगल बॉन्ड एन ब्रेक हो रहा है और ये बॉन्ड पेयर एन टू के पास जा रहा है, इस नाइट्रोजन का ऑर्बिटल वैकेंट रहेगा, तो ये क्या बन रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, ये नाइट्रीन है बेसिकली, राइट। आपको कार्बिन का रिएक्शन पता है, सी डबल बॉन्ड सी पे कार्बिन का रिएक्शन जस्ट इंसर्ट होगा, वैसे ही एनएच नाइट्रीन इंसर्ट होगा, क्या बन जाएगा ऐसा, यहां से एनएच इंसर्ट कर दो, क्लियर है क्या। वैसे यहां पे डबल बॉन्ड है तो यहां पे नाइट्रीन एनएच आएगा यहां से नाइट्रीन, तो ये भी नाइट्रीन इंसर्ट हो जाता है सी एच सिंगल बॉन्ड सी एच टू। ये रिएक्शन यहां का नहीं है लेकिन फिर भी याद रख लें कि एन थ्री एच को हीट करने से एन एच नाइट्रीन बनता है, नाइट्रीन का रिएक्शन जस्ट ये थ्री मेंबर रिंग बनेगा। यहाँ पे आर सी यू एन एच टू पे के ओ बी आर, के ओ बी आर आपको पता है ये हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन है, तो आर सी यू एन एच टू पे एन ए ओ एच और बी आर टू से आर एन एच टू बनता है, ये रिएक्शन आपको पता है आर सी यू एन एच टू पे अगर आपने एन ए ओ एच बी आर टू या फिर एन ए ओ बी आर ले लिया तो ये बनता है आर एन एच टू, इसको बोलते हैं हॉफमैन डिग्रेडेशन रिएक्शन। यहाँ पे सोचिए तो क्या बन जाएगा, ए क्या होगा, ए विल बी सी डबल बॉन्ड ओ सिंगल बॉन्ड ओ एच कार्बन, सी ओ एन एच टू से यहाँ पे ये बन जाएगा एन एच टू, राइट। लेकिन अब क्या होगा, हीट करने से ए को अगर आप हीट करोगे, क्लियर है, तो क्या होगा यहां से ये ओ एच और यहां से एक एच बाहर जाएंगे, तो ये कितना मेंबर रिंग, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स मेंबर रिंग, तो यहां से मैं सिक्स मेंबर रिंग बना देता हूं। इसमें एक जगह पे नाइट्रोजन भी है, ये सिक्स नंबर पे है, फाइव फोर थ्री टू वन, वन पे सी डबल बॉन्ड हुआ है तो ये इससे अटैच हो जाएगा, ये बन जाएगा NH, तो ये फाइनल बन जाएगा, कंडेंस हो गए, क्लियर है। तो चलिए फिर आज के लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, थैंक यू सो मच।